मजा आ गया। गुड मॉर्निंग मेरे जीरो के रोज, पिछले 4-5 दिन से सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो ये रहा है कि उठ नहीं पा रहा हूँ, अलार्म बजता रह जाता है। और एक दिन तो क्या हुआ कि मेरी जूम पे मीटिंग थी 10 बजे और मेरी वॉल क्लॉक बंद हो गई होगी शायद 8 बजे के आसपास। तो मैंने सुबह उठा, मैंने उठ के देखा, मैंने कहा अभी तो 8 बजे, मैं वापस सो जाता हूँ। लेकिन जब मैं उठा तब मैंने देखा कि 10:30 बज चुके थे और घड़ी में उस समय भी 8 बजे थे। मतलब पोपट हो गया हमारा उस दिन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर जिगरी जीरो डिग्री, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो डिग्री ब्लॉग। दिन पहले मेरे को अपने एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि ऑफ रोडिंग करके बताओ भाई इस बाइक पे। फिर मैंने भी सोचा नहीं यार, अपने पास ऑफ रोडिंग बाइक है तो ऑफ रोडिंग क्यों नहीं कर रहे हम। तो आज मैं जा रहा हूँ ऑफ रोडिंग करने, और मेन बात ये कि 1 बजे मेरी मीटिंग भी है, मुझे 1 बजे से पहले वापस भी आना है, और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11:15। मतलब चैलेंज है मेरे लिए कितनी जल्दी ऑफ रोडिंग करके आना। चलो जो भी होगा मोटर व्लॉगिंग बात करते हैं, वरना ये कंस्ट्रक्शन वाले खा जाएंगे अभी। राइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मूड बना है ऑफ रोडिंग का, और ऑफ रोडिंग का पैच जो पड़ता है वो यहाँ से महू हाईवे जिसे बोलते हैं एयरपोर्ट साइड, हाँ हमारे नीमच में एयरपोर्ट भी है, इमरजेंसी के वक्त काम आता है, या फिर कभी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसका यूज़ किया जाता है। बाकी तो मौसम काफ़ी अच्छा है नीमच के अंदर, 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई थी, और यही प्लान, सेम प्लान मेरा 2-3 दिन पहले भी बना था, लेकिन 2-3 दिन पहले ही बारिश हो गई तो फिर मैंने सोचा नहीं यार अपन प्रोफेशनल नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मेरे पास जितने भी गेयर्स हैं वो वाटर प्रूफ भी नहीं है और वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है, तो मेरे गैजेट्स ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं अगर मैं बारिश के अंदर ऑफ रोडिंग करता हूँ। तो बाकी तो फुल इन्जॉय। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपकी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होनी चाहिए। सिलेक्टेड कहने का मतलब है कि पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव चीज़ों से ही आपका इंटरेक्शन होगा तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, और अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव आपको अफेक्ट करेगा आपके आसपास तो फिर आप माइनस में चले जाओगे। तो इसलिए कोशिश किया करो हमेशा कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहे। इस बाइक को जब से मैंने लिया है ना, तब से मैंने एक छोटे से पैच पे ही चलाया है बस, जो कि मेरे फार्म हाउस साइड में था। ऑफ रोडिंग बहुत बहुत हल्का सा पैच था, मतलब कि मुश्किल से 100 मीटर होगा वो, तो उसमें बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन असली चीज़ आज पता चलेगी, अगर जो पैच की मैं बात कर रहा हूँ वो पैच अच्छा हुआ तो, होना तो चाहिए, बिकॉज आज से 2-3 साल पहले गया था मैं वहाँ पे, और उसके बाद तो आज तक कभी मौका नहीं मिला, मौका आज मिला है। आज भी मतलब बहुत मुहूर्त निकल के और फिर उसके बाद में मौका बना है, बस बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी तो मेरे गैजेट्स का रिस्क है थोड़ा। वैसे तो वहाँ पर शेड भी है लेकिन फिर भी रिस्क है। एक तो मैं अपने हेलमेट में फ़ोन लगा के रखता हूँ तो सब लोगों के रिएक्शन बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, बोले क्या मूवी देख रहा है क्या, जबकि ऐसा नहीं है, उन्हें कैसे बताऊँ मैं अपनी मजबूरी। कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से भी शूट करूं, मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो मेरी वीडियो है वो अच्छी निकलनी चाहिए बस। फ्यूल का इशू तो मुझे कोई आएगा नहीं, क्योंकि फ्यूल अप मैंने 2 दिन पहले ही करवाया था, आई थिंक हो जाएगा इजी। अगर हाईएस्ट स्पीड की बात करूं तो मैंने अभी तक इस बाइक को 92-93 तक ही क्रूज़ किया है, क्योंकि उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है अभी, और ऐसा कोई लॉन्ग राइड भी कर नहीं रहा हूं मुझे जो टाइम कवर करना है जल्दी से जल्दी। 92-93 मैंने क्रूज़ किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है बाइक का। ये जा रहा है, वो पीछे रह गया। ओके, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल पैच है, वाह बाइक इजीली परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, तो आगे चल के शायद और अच्छा पैच है, शायद वहाँ पे भी बाइक अच्छा परफॉर्म करेगी। वो हो सेडलिंग, ये मेरी ज़िंदगी में मैं सेडलिंग पहली बार कर रहा हूँ। इस बाइक में सेडलिंग करने का जो मज़ा आ रहा है ना, कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। सस्पेंशन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। सच में मैं सोचता था ऑफ रोडिंग में क्या मज़ा आता है, लेकिन असली मज़ा तो यही ऑफ रोडिंग में। काश मेरे पास दूसरा कैमरा एंगल भी होता तो मैं आप लोगों को दिखा पाता कि क्या मस्त मज़ा आता है यार। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे एडवेंचर बाइक ज़्यादा पसंद है। वाओ, ये कब बन गया, अमेजिंग। हो, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था।
सही है बॉस, इसीलिए कहता हूँ जिंदगी में जब किसी काम को करने में अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो ना तो बस उसको शुरू कर दो, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। पहले उसके ऊपर से होके आना पड़ता था, रेलवे क्रॉसिंग थी यहाँ पे, और अब अंडर ब्रिज बन गया है। इधर गांव में आ गया हूँ मैं यार, गलत आ गया हूँ। बेटा उधर निकलने का रास्ता किधर है? उधर जाना है यहाँ से। नहीं सही है, सही है, सही है, सही है। वो हो मज़ा आ गया। इजी 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 इजी, आई थिंक यही है। हो एडवेंचर ही एडवेंचर है, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। ओ भाई साहब, मैंने लिटरली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगी इस जगह। ओ माय गॉड, बहुत ही सही पैच है। ओए होई 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 होई, लेकिन मिट्टी ज़्यादा है। ओ हो, बहुत ही मज़ा, बहुत ही स्मूद। तो ये है हमारे यहाँ की हवाई पट्टी, मतलब यहाँ पे इमरजेंसी में हवाई जहाज वगैरह लैंड होते हैं। बाकी अगर कोई पॉलिटिकल चुनाव वगैरह होते हैं तो यहाँ पर इलेक्शंस के टाइम पे भी लैंडिंग वगैरह होती है हेलीकॉप्टर वगैरह की। भाई इधर उबड़ खाबड़ रास्ते किधर है ऑफ रोडिंग? मतलब मज़ा आ जाना चाहिए बाइक चला के उस जगह। हाँ तुम कहाँ के हो? कहाँ के हो? तो अभी आप लोग जितने भी अच्छे अच्छे शॉट देख रहे हो ना, ये सब इन लोगों की वजह से है, क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने पहले ही पूछ लिया था कि भाई तुम लोग फ्री तो हो, इन्होंने बोला कि हाँ ये लोग फ्री हैं, तो मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि इन्हें थका रहा हूँ, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो इन लोगों को भी मज़ा आ रहा है, इन सारे शॉट्स का क्रेडिट इन तीनों को जाता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं तीनों मेरे साथ। तो ऑफ रोडिंग मैंने यहाँ पर कर ली है और ईगल ने लिटरली काफ़ी अच्छा किया। ईगल मतलब मेरी बाइक एक्सपल्स, इसका नाम मैंने ईगल रख रखा है। और अभी टाइम हो गया है, एक दो हो गए हैं और ऊपर हो गया है, तो मेरे को यहीं पे मीटिंग अटेंड करना पड़ेगी, तो मैं अभी मीटिंग अटेंड करता हूँ। और तो अभी मैंने अटेंड कर ली मीटिंग, ज़्यादा कोई लंबी मीटिंग नहीं थी, मतलब 30 मिनट्स की, बहुत ही ऐसे प्रोडक्टिव बातें हुई मीटिंग के अंदर। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था कुछ काम और काफ़ी आइडियाज़ मैंने भी दिए। एक वीडियो क्रिएटर होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जब कभी आपके लिए कोई टास्क आता ना, तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, आपको नॉलेज होती है कि नहीं क्रोमा की क्या होती है, ये सब क्या होती है। तो काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा लगा कि नहीं मैं कोई चीज़ आती है, तो फिर मैंने भी अपने आइडियाज़ थोड़े बहुत शेयर किए। भूख लग रही है अब इतनी देर यहाँ पे हो गया, कम से कम मैं कितनी बजे आया था यहाँ पे, 11:30 बजे आया था, और अभी राइट नाउ इट्स 1:38, काफ़ी टाइम हो गया। मतलब अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ही जल्दी मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। तो
हमारे जीरो के रोज़। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कोई आइडियाज़ हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना। तो इसी के साथ मैं इस वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फुल बैटरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। बूम।